अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है उन ड्रेसेस के ऊपर जो पाकिस्तान से आए हैं। सो इट्स ऑल अबाउट ड्रेसेस टुडे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये ड्रेसेस आए हैं पाकिस्तान से, मेरी मामा ने भेजे हैं और अब इनकी डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो ये ड्रेस भेजा है मेरी बेटी की नानों ने उसके लिए ईद पे पहनने के लिए। ये एक ऑरेंज कलर की शर्ट है जिसकी डिटेलिंग बहुत ही प्यारी हुई हुई है। उसके ऊपर जी ये वो नारान का गान वाली साइड पे सैर करने के लिए गए थे तो वो ये कोटी ख़रीद के लाए थे, उस कोटी के साथ उन्होंने ये ड्रेस मैच करके भेजा है। अब इसके नीचे पहनने के लिए मैं सोच रही हूँ कोई गोल्डन सा चूड़ीदार चलेगा या कुछ सजेशन दें आप। जी तो ये दूसरा ड्रेस है, ये सफायर का प्रिंट है, ये बहुत ही खूबसूरत सी कमीज़ है। इसकी नेक की डिटेलिंग्स चेक करें और सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसकी मुझे लगी है ये शलवार, ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ है क्यूट सा दुपट्टा जो मेरी बेटी ईद पे पहनेगी और फिर पिक्चर्स पोस्ट करेंगे हम। साथ में ये क्यूट सी माथा पट्टी आई है, ये भी नारायण कागान से लेकर आए हैं। अगर तो वो लगा लेगी तो हम उसको लगा देंगे, नहीं तो फिर हम खुद लगा लेंगे। जी तो ये है मेरा ईद का जोड़ा, लाइम लाइट का प्रिंट है, ये शॉर्ट शर्ट है, नीचे से ए लाइन है, देखें इसके बाजू कितने कितने खूबसूरत हैं। ओके इसके साथ है ये बहुत ही खूबसूरत सा गरारा और ये हसीन तरीन दुपट्टा। मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ इस ईद पे गरारा टाइप कुछ पहनूँ, इसलिए मेरी मामा ने मुझे ये गरारा भेजा है जो मैं ईद पे पहन के पिक्चर्स पोस्ट करूँगी और ऑब्वियसली व्लॉग भी बनाऊँगी। ओके तो ये है मेरा दूसरा ड्रेस, आई थिंक ये मुझे याद नहीं है, शायद ये सफायर की न्यू कलेक्शन में से था क्योंकि मैं जब जनवरी में पाकिस्तान से आई हूँ तब न्यू लॉन्च हो रही थी, मैंने तब ख़रीदा था। लेकिन वही हमारे परदेसियों के मसले मसाइल के हम फ़ौरन से कोई चीज़ जो है वो स्टिच नहीं करवा सकते, थैंक्स टू द पाकिस्तान के दर्जीज जो मेरी मामा ने अब मुझे स्टिच करवा के भेजा है। और ये टू पीस कलेक्शन में से था जिसके साथ दुपट्टा भी मेरी मामा ने मैच करके दिया है, ये बटन्स उन्होंने खुद लगवाए हैं और इसके साथ में ये प्रिंटेड शलवार है। तो ये आ गया मेरे सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा। जी ये है मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस। अब जब भी कपड़ों की सेल लगती है तो मैं तो पागल टाइप हो जाती हूँ और स्पेशली निशात, निशात तो मेरा फेवरेट ब्रांड है, तो निशात पे जनाब लगी सेल और आई एम सो ऑब्सेस्ड विद प्रिंटेड शलवारें एंड कमीज़ें कि मैंने उनके जो भी, और फ्लोरल स्पेशली आजकल फैशन भी कितना ज़्यादा है तो मैंने बस उठाने की। तो ये है जी मेरा सबसे पसंदीदा ड्रेस, लुक एट द डिटेलिंग्स, कितनी मेहनत से मेरी मामा ने मुझे ये सिलवा के भेजा है और साथ में ये तकरीबन मैचिंग ट्राउज़र। ठीक है अब ये तो था टू पीस, और वैसे भी यूएई में एज सच इतना ज़्यादा दुपट्टे का तो कोई यूज़ है नहीं, स्ट्रोलर वगैरह लिया जाता है, हिजाब किया जाता है, तो मैं कुछ भी मैचिंग स्ट्रोलर के साथ मैच कर लूँगी। जी तो ये है मेरा दूसरा फ्लोरल प्रिंट विद द प्रिंटेड शलवार, जिसकी शलवार पे मेरी मामा ने पॉइंचों पे लेस की डिटेलिंग भी करवाई है और बाजू वही प्लेट्स वाले, ये भी टू पीस कलेक्शन में से ही था, निशात का ही है। और इसके साथ भी मैं कोई स्ट्रोलर मैच कर लूँगी, जैसे जैसे जो जो ड्रेस मैं पहनूंगी वैसे वैसे मैं अपने व्लॉग में बताती भी जाऊँगी। ओके तो ये मेरा एक और निशात का ड्रेस जिसको किसी किस्म की डिटेलिंग की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ड्रेस खुद ही गार्डन गार्डन है और इसको देख कर दिल भी गार्डन गार्डन हो चुका है, बस गले पर थोड़ी सी डिटेलिंग करवाई एंड दैट्स इट, लुक सो प्रीटी ड्रेस। और इसकी शलवार जो है वो प्लेन है क्योंकि ये ऑलरेडी फूलो फूल हुआ हुआ था। अरे कहाँ चले, पिक्चर अभी बाकी है मेरी दोस्त। ये मेरे दोस्त ने मुझे किस पे जो है एथनिक का प्रिंट है, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। जनाब ये है लाइलिक कलर जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है और इस पे ये बहुत ही प्यारे फूल बने हुए हैं,
जी ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है, सेम शलवार और सेम कमीज, तो आई थॉट वाई नॉट। आई एम इन द साइज मीडियम। जनाब मैं आपके साथ अपनी डाइट रूटीन भी शेयर करूँगी, लेकिन पहले मैं मीडियम से वापस मॉल में चली जाऊँ। वो कहते थे ना कि नानी घर जाएंगे और मोटे होके आएंगे, तो मैं भी मामा घर गई और वहाँ से मैं अपना साइज़ स्मॉल से मीडियम कर आई। अब मैं वापस मीडियम से स्मॉल की तरफ जाऊँगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी डाइट रूटीन भी शेयर करूँगी। ये मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट भेजा है, ये जनाब थोड़ी सी बैगी शॉर्ट शर्ट है और इसका गोल घेरा है और नीचे इसके शलवार है। जी तो इस सबके साथ आए थे मेरे बेटे के वाटर कलर्स, उसके बाद ये खेलती कूदती रही। हे यू नीड वाटर फॉर दैट। आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।